बीजेपी नेताओं पर हल्का बल का प्रयोग किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के लिए। आपको बता दें कि मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही में बाधा बनने के बाद बीजेपी नेताओं को सदन से बाहर किया गया और सदन से बाहर का रास्ता जब बीजेपी नेताओं को दिखाया गया तो उस दौरान जमकर हंगामा, जमकर प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा हो, कई नेताओं का सर जो है वो फूट चुका है। और यहाँ पर देखिए कि लग रहा था कि सारी चीजें बड़ी ही सामान्य तरीके से चलेंगी, लेकिन पुलिस ने पहले लाठी चार्ज कर दिया और बहुत सारे नेता जो हैं इसमें घायल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता अभी बढ़ ही रहे थे और तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। और तमाम नेताओं का ये आरोप है कि नीतीश सरकार दमनकारी नीति अख्तियार कर रही है, हम आगे बढ़ेंगे सत्येंद्र चा। तो देखिए कि तमाम जगहों पर जो है नेताओं को सीतर बितर करने की पुलिस की रणनीति है। अभी वो डाक बंगला चौराहा ये पुलिस है जो भ्रष्टाचारी राज का, हम लोग बिहार विधानसभा मार्च करने जा रहे थे, वो लाठियों से मार मार के सर फोड़ा है सरकार के, 10 लाठी हमको ये शरीर में मारा है सरकार के, कुछ जान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन आगे जो है आज भी तस्वीरें नजर आई है, मार्शल आउट जो है वो किया गया है विधानसभा में अध्यक्ष द्वारा, उनको करना हो। नीतीश कुमार अब लोकतंत्र के विरोधी हो चुके हैं। साहब सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है। ललन सिंह भी है बीजेपी नेता जो है, वो ललन सिंह भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार सरकार को जो ये चचा भतीजा चोरों का जो सरकार चल रहा है, अपराध खाली करे, भ्रष्टाचार इसे मिटाना है, इसे सदन से लेकर सड़क तक हम लोग। देखिए बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नेता भी अड़े हुए हैं, लाठी खाने के लिए तैयार, एकदम लाठी डंडा जो होगा चलेगा, लेकिन विधानसभा तक मार्च करेंगे। देखिए साहब कह रहे हैं कि विधानसभा तक मार्च करेंगे और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री सर क्या कहेंगे, अभी तो आपका प्रोटेस्ट आगे बढ़ा और लाठी चार्ज कर दी गई कई कार्यकर्ता। लाठी गंडे की गोली की सरकार है, गुंडे की सरकार है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं ये लोग, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ये सरकार चलने वाली नहीं है, जनता सब देख रही है। आगे क्या करेंगे आप? हम लोग यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। 24वीं 25वीं हमारा होगा और सदन के अंदर भी नहीं सुनने, सड़क पर भी नहीं सुनने, ये चालबाजी इनकी नहीं चल। क्यों लगा कि इतने तरीके से आपका प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था उसे सदन के अंदर ये बात नहीं सुनते हैं, तो मैं सड़क पर जनता को सुनाना चाहता हूँ। इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो आज देख रहे हैं ये गंडागर्दी की सरकार इतनी चाचा भतीजे चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी, साफ तौर पर कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है और बड़ी ही तनावपूर्ण स्थिति है, कभी भीड़ आगे बढ़ रही है कभी भीड़ पीछे आ रही है, लगातार कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कुछ हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे, तमाम सभी को इंतजार है कि पार्टी का नेतृत्व इसको लेकर क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन मार करके फोड़ दिया, बताइए हम लोग मार्च करना चाह रहे हैं, शिक्षकों को सम्मान दिलाना चाह रहा है, किसानों को सम्मान दिलाना चाह रहे हैं, लोग मार्च नहीं करने दे रहा, विधानसभा खड़ा नहीं करने दे रहा, भाई ये देखिए मनमानी कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है सबको, ये कोई तरीका है? देखिए कि सारे जो नेता हैं वो डाक बंगला